Hey guys, welcome to another new episode. This is episode number 8 of Manali. अगर आपने 1-7 एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. एंड अगर यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओल्ड मनाली को, जो कि न्यू मनाली है. वहां से भी अच्छा है, यहां पे लोग स्टे करने के लिए बोलते हैं और चीज़ें हैं जो एंजॉय करते हैं. तो आज हम भी एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड मनाली को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. ये है सरकारी कॉटेज और यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड है वो रहते हैं, काम करते हैं. तो वो नया है जो बन रहा है सामने वाला. तो यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद चलेंगे. गाइस, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे अभी हम टहल रहे हैं, ये पूरा एरिया गवर्नमेंट के अंडर आता है और यहाँ पे आना किसी को भी अलाउ नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फ्रेंड हैं यहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए. इनफैक्ट वही हमें लेके आया था, बोला तुम लोगों को दिखा के लेके आता हूँ मैं, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ. तो उसने ये भी दिखाया कि यहाँ पे चीज़ें कंस्ट्रक्ट जो हो रही थी ऑलमोस्ट वुडन की थी. वो इसलिए थी बिकॉज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो दीवारें हैं जो वो पत्थर की या फिर सीमेंट की इतनी नहीं बनाई जाती, ताकि वो वॉर्म रहें. अगर लकड़ी की बनेंगी, स्नोफॉल होती है और आप देख ही सकते हो यहाँ की जो छत है वो ऐसे ट्रायंगल में बनाया जाता है, ताकि जो स्नो है वो अगर इस पर पड़ती भी है तो वो सड़क के नीचे आ जाए. ओल्ड मनाली जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे है एक क्लब. हम क्लब में जा रहे हैं अभी, देखते हैं क्लब में क्या क्या होता है. मैं तो कभी गया नहीं, तो हम ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ चलते हैं. ओल्ड मनाली द क्लब हाउस, ओल्ड मनाली एंट्री टिकट ये है. तो चलते हैं अभी अंदर. बार में खड़ा ओ हो रहा होला 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 ये है क्लब हाउस. यहाँ पे एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ पर हेड. एंड यहाँ पे आप घूम सकते हैं. विंटर कार्निवल मनाली 2024 लगा हुआ है, टूर्नामेंट. तो अंदर जाके और दिखाते हैं आपको क्या क्या है. हिमाचल टूरिज्म ये दूसरा क्लब है, जो वो क्लब ना है. सो गाइस, ये ओल्ड मनाली में एक बार भी है जो कि मनाली क्लब के अंदर है और आप यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं. मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, बट अगर आप करते हैं तो आप जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो ड्रिंक्स थी सारी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. बाहर से निकलने के बाद वहीं पर अंदर ये छोटी सी एक मार्केट भी है जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं. प्राइस टैग इनके लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी भी लग रही थी मेरे को. बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चलो रीज़नेबल प्राइस था,
पर मोस्टली कोस्टली ही थी, तो आप देख लेना वो कैसे आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। ये है टेबल टेनिस जोन। रसगुल्ला खाओगे? रसगुल्ला रसगुल्ला भैया हमको कोक पिला दो। अच्छा कोक है ही नहीं, बियर धरिए यहाँ तो सीधे। ओके गाइस, तो ये है मनाली क्लब हाउस फॉरेस्ट, एंड यहाँ से एक नदी जाती है और नदी पार करने के लिए यहाँ पे पुल बनाए गए हैं, वो भी रस्सियों के, और आप इन पे एक्टिविटी भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, बट उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और सेफ्टी के साथ। तो अभी हम चलते हैं इधर, थोड़ा घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ओए एडवेंचर रहा हो, इसमें को चलाएंगे थोड़ी मेरे को। आजा फिर लकड़ जावे है। एडवेंचर इसके ऊपर को चलना है नी? हाँ, अंदर ही आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी आपको करने के लिए, एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। खाने पीने की चीज़ें भी हैं। अच्छा चालू कर दी ले। गाइस मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस तरह से एक्टिविटी करें जैसे हम कर रहे हैं, बिना किसी सेफ्टी के इनके ऊपर से जाना। एक्चुअली ये वाला बंद था, बट हमारे फ्रेंड हैं जो उनकी जान पहचान थी यहाँ पे, तो हमें कोई भी चीज़ करने के लिए हमें किसी चीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, वो पहले ही बोल देता था और परमिशन हमें मिल जाती थी। तो अगर वैसे भी आप यहाँ पर आओगे तो आपको सेफ्टी तो दी जाएगी, बट सेफ्टी के बिना ये सब चीज़ें मत करना। हम लोग ऐसे रफ एंड टफ हैं तो कहीं भी कैसे भी चल फिर जाते हैं, पहाड़ों पे भी इस तरह की चीज़ों के भी डर नहीं लगता है, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर लेंगे और किया भी है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये चीज़ें ना करें, मैं बस यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, आप गिर पड़ जाओ, चोट वगैरह लग जाएंगी आपको, तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ मत करना। वो एक नई फिल्म नहीं आई है पंजाब की, फिल्म पंजाब की कमांडो सुनिए इंडिया ने। ਇਹ ਕੋ ਨਿਆਰੀ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਨ ਬਿਹਾਰ ਮੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਫਿਚਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਵਾ ਯਾਰ। या टिस्टिस भी मैं आ गई। वो पंजाबी सिंगर नहीं होता उसमें धोली अख वाला सफेद अख। अच्छा अच्छा समझ गया, जंगल में मारा सारे ने। राइट राइट वो ही है उसकी बात कर रहे हो। वे तू तो माल के लिए फिल्म कमांडो। अच्छा तो थोड़ी आई है मेरे यार, बहुत पुरानी है, बस वही बनी है, दूसरा आया 5-6 साल हो गए।
गोरिल्ला सिद्धियां की यो मनाली क्लब हाउस मेरी ज्वाइनिंग याद की है फर्स्ट पूरी है। गाइज मनाली क्लब हाउस का जो ये फॉरेस्ट है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ है जो वो शूट हो चुकी हैं, कमांडो है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो शूट हो चुकी हैं। तो मैं ये जगह ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ओल्ड मनाली में क्लब हाउस फॉरेस्ट में आप ज़रूर जाएँ और यहाँ के जो पेड़ हैं और यहाँ की जो वाइब है, जो सूरज है यहाँ से किरणें वो आती हुई दिखाई देती हैं, बहुत ही गजब का सीनरी बनाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जाना। जितने की कमाई ना होगी उतना तो ले लो। नहीं शाम शाम को लेता सिर्फ ये। क्या शाम शाम कर जस्टिंग करा दी इसकी है बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड है। चलाओ बजाओ है। तो भाई साहब चलने की तैयारी है। हाथों की गाड़ी के कपड़ा लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ बंदे यहाँ से निकलते हैं। सुबह के 10 बजे हैं और आए थे कि सोचा था स्नोफॉल होगी बट मनाली में तो स्नोफॉल हुई नहीं, इसलिए हमें सिसु जाना पड़ा। तो वहाँ पे हमें बर्फ मिली तो सही है, मनाली का भी टूर हो गया हमारा एंड एक नाम और हमारी लिस्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो निकलते हैं यहाँ से एंड घर के लिए, यहाँ से लगेंगे लगभग 10-12 घंटे। चलो चलते हैं। ये देखो